हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले ब्लॉग में आपको मैंने हवा महल के बारे में दिखाया था तो वो उतना ही ब्लॉग था। अब मैंने दूसरे ब्लॉग में आपको हवा महल के बारे में बताती हूँ कि यहाँ कहा जाता है जितनी खिड़कियाँ थी उतनी रानियाँ रानियों के लिए बनी हुई थी और रानियाँ ऊपर से नीचे की ओर देखती थी। सभागार में स्थित जितनी भी चीज़ें होती थी वो ऊपर से देखती थी, लेकिन नीचे से ऊपर कोई खिड़कियों में नहीं देख सकता है, ऐसा मतलब यहाँ पे गाइड बताते हैं। अब हम लोग हवा महल से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वैक्स म्यूजियम की तरफ और हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ का जो म्यूजियम है वहाँ पे भूल भुलैया भी है, तो देखते हैं कैसा वहाँ पहुँच कर लगता है। ये है वैक्स म्यूजियम और भूल भुलैया है। इसमें गोगी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आया था किधर जाऊँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि वो सोच रहा है कि इधर भी दिख रहा हूँ मैं, उधर भी दिख रहा हूँ, तो मुझे किधर से निकलना है। वो काफ़ी सस्पेंस वाला माहौल क्रिएट हो गया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे और भी पर्यटक हैं जो इस भूल भुलैया का आनंद उठा रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा घूमने का प्लेस है। आप भी जयपुर आइए तो यहाँ वैक्स म्यूजियम में ज़रूर आइए, आपको अच्छा लगेगा और इस भूल भुलैया में भी आप आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए हर तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो किधर को जाए। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, जयपुर का एक अच्छा वो है, यहाँ पे आना मतलब आना चाहिए सभी को। और सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको खुद ही अच्छा लगेगा। एक रोमांच सा आया था मन में यहाँ आकर और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गोगी को थोड़ा गेम खेलना था तो वो गेम खेलने में लग गया, उसको काफ़ी शूटिंग करना पसंद है, वो घर में भी बंदूकें लेके इधर उधर चलता रहता है तो इसलिए उसका दिमाग बस शूटिंग करने में ही लगा हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए और ये अब इसके बाद हम लोग, ये कोई कॉलेज था श्री ऐसे कुछ करके, ये उसका लोकेशन है, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब गाइड ने हम लोगों को घुमाया है तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इंस्टीट्यूट है। इसका बाहर का लोकेशन बहुत 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 ही खूबसूरत था और अच्छा भी लगा हमको घूमकर यहाँ पे। गाइड इसके बाद बोल रहे थे कि हम आपको अल्बर्ट म्यूजियम लेके जाएंगे, तो देखते हैं कि वहाँ का क्या माहौल रहेगा और कैसा लगेगा वहाँ पहुँच कर। हो सकता है कि मैं अगले ब्लॉग में आपको अल्बर्ट म्यूजियम दिखाऊंगी। अभी हम लोग निकल चुके हैं अल्बर्ट म्यूजियम की तरफ, तो आप देखिए आपको कैसा लग रहा है जयपुर घूमते। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जयपुर घूमने के बाद। अब आप आइए और अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कैसा लगा यहाँ ये मतलब देख कर कि जयपुर कितना खूबसूरत है। ये पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं और देख सकते हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये देखिए मेरा पर्स, मैं गोगी ने एकदम लो कर दिया है और शैतानी बहुत करता है, गाड़ी में हिला रहा था, मोबाइल मुझे बनाने नहीं दे रहा था वीडियो, तो आप देख सकते हैं। ये ऊपर आसमान देखिए कितना खुला खुला सा एकदम चमकता हुआ आसमान है, बहुत स्वच्छ बादल थे उस समय आसमान में, बहुत प्यारा लग रहा था जयपुर का माहौल। और आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे ढेर सा प्यार दीजिएगा, मैं ऐसे ही आप नए नए वीडियो लाती रहूँगी और कहीं दूसरे शहर को भी जाऊँगी घूमने के लिए। अभी तो मैं राजस्थान आई हूँ और धन्यवाद।